जब जब कुंडों के न्यास का दिन करीब आए, यानी तुम 22 रजब तक आ पहुंचो, तो घर में ये तीन चीजें जरूर पकाया करो। पहली चीज कोई सफेद मीठी चीज हो, क्योंकि जो इंसान 22 रजब को हस्बे तौफीक किसी मीठी सफेद चीज को घर में बनाता है, तो वो फरिश्ते जिनके हाथों में अल्लाह ने बरकत को रखा है, रहमत को रखा है, वो उस घर में बस जाते हैं और पूरा साल उस घर में गैब से रिजक असबाब पैदा करते रहते हैं। दूसरी चीज सब्ज सब्जी। जो इंसान बंदिश, नजर हसद और परेशानी का शिकार होता है, जैसे ही कुंडों के न्याज के साथ किसी सब्ज चीज को पकाता है, तो उसके घर से तमाम नजर हसद जादू तावीजात के असरात खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गैब से वो फरिश्ते आते हैं जिनको अल्लाह ने जिम्मेदारी पे कायम किया है, जो नजर हसद को इंसानों से दूर करते हैं। वो तब तक नहीं जाते जब तक तमाम नहस असरात खत्म नहीं होते। और तीसरी चीज, जो इंसान 22 रजब के दिन घर में गोश्त पकाता है और गोश्त का थोड़ा सा हिस्सा अपने अजीज व अकारिब या मिसाकीन को खिलाता है, तो वो तमाम जिस्मानी अमराज से अल्लाह की पनाह में रहता है, क्योंकि वो फरिश्ते जो इंसान को शिफा देने के लिए जमीन पे आते हैं, वो उस घर में कायम हो जाते हैं और तब तक नहीं जाते जब तक उस घर में मौजूद बीमार शिफा नहीं पाता। और आने वाले पूरे साल में बीमारियां और परेशानियां घर से दूर रहेंगी।